दोस्तों आज मैं एक मेरे विंडोज 10 के लैपटॉप को फॉर्मेट कर रहा था। फॉर्मेट करने के वक्त मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम ऐसी थी, जब मैंने फॉर्मेट के लिए लैपटॉप को लगाया एक बूटेबल पेन ड्राइव के जरिए से विंडोज 10 फॉर्मेट के लिए लगाया, उस वक्त जब ड्राइव फॉर्मेट करते तो ड्राइव फॉर्मेट तो हो गई थी लेकिन नेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा था लेकिन उस पर क्लिक नहीं हो रहा था, और उसके ही साथ साथ मैंने सारी ड्राइव फॉर्मेट करके देखी, एक भी ड्राइव फॉर्मेट नहीं हुई। मतलब कुछ ड्राइव तो फॉर्मेट के ऑप्शन पे ही नहीं जा रही थी, और मैंने सोचा कि अब डिलीट कर देते, डिलीट करके डायरेक्टली एक न्यू क्रिएट करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे। लेकिन जब डिलीट करने के लिए गया तब डिलीट भी नहीं हो रही थी, मतलब मेरा पूरी तरह से फॉर्मेट भी नहीं हो रहा था और डिलीट भी नहीं हो रहा था। तो उस टाइम में आपको एक ही सोल्यूशन रहता है, तो उस सोल्यूशन में आपको बता, तो आपको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो इस वीडियो से आपको 100% हेल्प होगी। उसके लिए सिर्फ आपको वीडियो को स्किप ना करना है, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि उसी वीडियो की मदद से आप प्रॉब्लम को क्लियर करने वाले। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो चलो बिना कुछ देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखो इतने सारे पार्टीशन आपको दिख रहे होंगे, डायनामिक डायनामिक सिस्टम डायनामिक करके, लेकिन ये जब मैं एक किसी को भी फॉर्मेट करने जाता हूँ तो फॉर्मेट भी नहीं होता। ये देखो एक ड्राइव फॉर्मेट होती है, देखो फॉर्मेट की, लेकिन फॉर्मेट होने के बाद जैसे ही फॉर्मेट हुई, फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, फॉर्मेट होने के बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है नीचे की साइड में, वो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं होता। और उसी के साथ साथ जो डिलीट का साइड में ऑप्शन है, उस डिलीट के ऑप्शन पे तो हम क्लिक भी नहीं कर सकते। देखो कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्लिक भी नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ पहले जो दो पार्टीशन है वो ही फॉर्मेट कर सक रहा हूँ, और करने के बाद भी नेक्स्ट नहीं हो रहे। ये देखो नेक्स्ट ही नहीं हो रहे, और बाकी जितने भी वो सारे तो फॉर्मेट भी नहीं होते और डिलीट भी नहीं होते। उसके लिए क्लोज करना है, रिपेयर योर कंप्यूटर पे आना है, और ट्रबल शूट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाना। ये हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा, रिपेयर योर कंप्यूटर करके, और उस पर एक कमांड देने है, डिस्क पार्ट की एक कमांड देने है। एक कमांड देने के बाद एंटर करना है, उसके बाद फिर से एक कमांड देने है, लिस्ट डिस्क ये कमांड देने है, उसके बाद फिर से एंटर करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा होने के बाद आपको फिर एक कमांड देने है, टोटल हमें 10 कमांड देने। तो मेरी जो तीसरी कमांड है वो मैं दिखाता हूँ, सिलेक्ट डिस्क, ऐसी कमांड है वो, मैं आपको सिलेक्ट डिस्क जीरो करना है, मतलब हमारी जो 931 GB की डिस्क जीरो में है तो सिलेक्ट डिस्क जीरो करना है। और उसके बाद फिर से कमांड देना, वो कमांड दिखाता हूँ मैं, जैसे दे रहा हूँ क्लीन, क्लीन की कमांड थी, और उसके बाद फिर एंटर किया। और जितना मैं कमांड दे रहा हूँ वो सारे कमांड मैं एक साइड में आपको लिख के भी दे दूँगा। और अगली कमांड जो है हमारी क्लीन के बाद की, वो है लिस्ट पार्टीशन, लिस्ट पार्टीशन एंटर देना है। एंटर देने के बाद कुछ ऐसा आपको मेरे सामने जैसा दिख रहा है वो आपको वैसा ही दिखेगा। उसके बाद लिस्ट डिस्क करना है, लिस्ट डिस्क करने के बाद आपको डिस्क दिखेगी, और उसके बाद आपको करना है एक्टिव, एक्टिव करेंगे एंटर दोगे, उसके बाद फिर एक कमांड, आपको बहुत सारे कमांड देने पड़ते हैं, लगभग 10 कमांड है ये। और फिर अगली कमांड है लिस्ट डिस्क, लिस्ट डिस्क को और एक आएंगे। अब मैं बार बार वही कमांड दे रहा हूँ, लेकिन ये कमांड से आपका जो प्रॉब्लम है 100% फिक्स भी होगा और क्लियर भी होगा। उसके बाद सिलेक्ट डिस्क की एक कमांड देने, सिलेक्ट डिस्क कमांड देने के बाद लास्ट क्लीन और होंगी, क्लीन एक कमांड देने, क्लीन कमांड देने के बाद आपको फिर एग्जिट करना है, मतलब हमारी लास्ट की कमांड थी एग्जिट कर दी है। एग्जिट करने के बाद आपको ये 2 मिनट, मतलब 1-2 मिनट के लिए रुकना है, उसके बाद ऊपर की जो पॉपअप विंडो है उसको क्लोज कर देना है। जैसे मैं अभी विंडो को क्लोज कर देता हूँ, विंडो को क्लोज करता हूँ, और उसके बाद टर्न ऑफ यूर पीसी कर दूंगा, मैं पीसी को बंद कर दूंगा। और आपने जो बूटेबल पेन ड्राइव वो उधर ही रहने देना है। फिर से मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद F12 का जो बटन है वो कंटिन्यूसली प्रेस करता हूँ, क्योंकि वो मेरी बूट की है, आपकी कुछ अलग भी हो सकती है, F10 F9 भी हो सकती है, आपका लैपटॉप पे डिपेंड करेंगे। वो मेरे डेल का लैपटॉप है तो डेल की F12 की है, मैं वो प्रेस करता हूँ, और उसके बाद हम आ गए बूट की तरफ। और इधर में जो EFI किंगस्टन डेटा ट्रैवल मतलब मेरा पेन ड्राइव का नाम है, और एंटर दे देता हूँ। एंटर देने के बाद हमारा बूटअप हो रहा है, ये देखो विंडोज़ का सिंबल भी आ गया।
लोड हो रहा है, और जो मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेटअप होता है वो पूरा मैं फिर से करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, इंस्टॉल ना करूँगा, वो तो आपको पता ही होगा क्या क्या करना है कुछ कब। ये देखो सेटअप इज स्टार्टिंग हो रहा है। और दोस्तों आपका भी इस स्टेप यूज़ करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप वीडियो को लाइक तो करोगे, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले, बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दो। ये देखो लाइसन को एग्री कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और ये देखो दोस्तों हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, हमें हार्ड डिस्क भी दिख रही है, और मैं अभी न्यू करके अप्लाई करूँगा तो हमारा जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन है वो भी नई नया जैसा हो जाएगा। मतलब हमारा जो लैपटॉप था पूरा रिसेट हो गया है, लेकिन रिसेट के साथ साथ हमारा प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है। तो मैं फॉर्मेट करूँगा अब, और उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। अब कैसा नहीं होगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किया, ये देखो दोस्तों हमारा सेटअप के लिए लैपटॉप लग गया है।